Audio Jungle. माफिया से सुरक्षित है, न अपराधी से सुरक्षित है, न नेता से सुरक्षित है और न ही इस सरकार और केंद्र सरकार के रवैये से सुरक्षित है। आपके जो कार्यकर्ता थे, नेता थे, उनकी क्या स्थिति है और आगे क्या? सर, दो दर्जन से ज्यादा लोगों पर लाठी चार्ज की गई, आसुरज गैस छोड़े गए। हम लोग लक्ष्मण रेखा को क्रॉस नहीं किए हैं। कम्प्लीट रूप से हम लोग की एक ही आवाज थी, कब मुक्त होगा बिहार अपराधियों से, कब मुक्त होगा बिहार का किसान, बिहार का हर शहर इन सुखारों से, कब मुक्त होगा इस माफिया नेता और अपराधियों के नेक्सस से। तो पुलिस क्यों आप पर आक्रमण करेगी? तो आप जानते हैं, लाठीगोली की सरकार मुख्य कानून है, हिटलर की शासन है। जब कोई आवाज बनेगा तो उसको दबा दिया जाएगा, उसको गोली चला करके खत्म किया जाएगा। क्या लगता है पप्पू जी, जो पुलिस जो है गैस सिलेंडर में शराब ले जाए जाती है उसको पकड़ लेती है, लेकिन अपराधी को नहीं पकड़ पाती है, आखिर क्या? अपराधी इनके नेताओं को चलाता है। जनता दल यूनाइटेड का विधान परिषद का एमएलए कहता है कि अब वक्त आ गया है अलग होने का। हर दिन एक शहर में मिनिमम दो दर्जन से ज्यादा व्यवसायी की हत्या हो रही है। पटना में आधा दर्जन से हत्या डेली कल भी हुई है। हर दिन अब एक माँ अपने गुंजन को खो देता है, हर दिन एक बच्चा अपने गुंजन को खो देता है, हर दिन एक सगा भाई अपने गुंजन को खो देता है। और पुलिस मस्त है, गठबंधन में नेता मस्त है, बेचे जा रहे हैं, बार्गेनिंग हो रही है दिल्ली में, नंगा खेल खेले जा रहे हैं और इधर अपराधी नंगा नाच कर रहा है। इस अपराधियों के खिलाफ जनता कर्फ्यू की जरूरत है, एक बड़े विद्रोह की जरूरत है, इन नेक्सस को खत्म करने की जरूरत है, एक बड़े महाभारत की जरूरत है। अब बैठने का सवाल नहीं, 27 को लोकसभा नहीं चलेगा और जरूरत पड़ेगी तो हम बिहार बंद करेंगे, जिसका निर्णय हमने चैम्बर ऑफ कॉमर्स से हमने आग्रह किया है कि आप हमको सपोर्ट करिए और 2 घंटे के अंदर ये निर्णय लेंगे। और तब तक चैन से नहीं बैठेंगे किसी भी कीमत पर, जब तक इस बिहार के अपराधी और माफियाओं से मुक्ति नहीं होगी, जब तक इस किसानों की आजादी नहीं होगी, इन एजुकेशन माफिया और मेडिकल माफियाओं से बच्चों की, छात्रों की आजादी नहीं होगी, तब तक जन अधिकार को क्या लगता है नहीं चल रहे लगता है किसी भी कीमत। लेकिन आपके साथ कौन देगा वहाँ पे लोकसभा? कोई साथ ना दे, अकेला काफी है, बिहार की जनता साथ है पप्पू जी, बिहार की जनता साथ है, एक आवाज काफी। पार्टी की वो बच गए, जिस तरीके से उसके माथे में आंसू गैस के दागे गए हैं और जिस तरीके से कोई मनोज पांडे इंस्पेक्टर है उसने मारा है रट से, अपने कुंदे से, हम लोग बख्शेंगे नहीं, न्यायालय जाएंगे हम लोग। यहाँ बिहार आजादी चाहती है, बिहार के किसान आजादी चाहते हैं, बिहार के लोग अपराधी और माफिया नेता के नेक्सस से आजादी चाहता है। हर घर का गुंजन सुरक्षित लौटना चाहता है, हर घर का बच्चा अपने पिता गुंजन को वापस चाहता है। भूल गए अटल जी का वो किसने लौटा दो, और आज पूरा बिहार कह रहा है गुंजन लौटा दो, अखिलेश जायसवाल की जिंदगी लौटा दो, जिसके बच्चे और बीवी बिहार छोड़ दी। हर लोग बिहार छोड़ रहे हैं, मस्त हैं ये लोग दिल्ली में, बेचते हैं ये लोग हिंदू मुसलमान और जात पात के नाम पर बिहार की जनता को। बिहार का किसान कहता है कि मुझको 1400 से 1700 रुपये का जो हमारा बैंक अकाउंट है उसमें पैसा डालो, तुम कहते हो कि क्रय केंद्र खोल दिए हैं, और कहीं क्रय केंद्र नहीं खुला, कहीं भी सुखार में ऋण माफ नहीं हुए, कोई भी सरकार के तरफ से सुविधा आज तक नहीं मिली। बिहार के किसान कहता है मुझको ऋण माफ करो, मेरे अकाउंट में 1700 रुपया डालो, और किसान बिहार की जनता कहती है कि मुझे आजादी चाहिए। एंड आईजीएमएस की बेटी कहती है कि मुझको फांसी पर चढ़ा दिया गया, मुझको न्याय दो। आज की स्टूडेंट कहता, आज की घटना तो सीधा है जनाब, जब बिहार की आवाज यूथ छात्र और क्रांतिकारी लोग प्रदर्शन कर रहे थे गवर्नर हाउस पर, किसानों के सवाल पर, गुंजन के सवाल पर चीख चीख के कह रहे थे कि लौटा दो उसके पिता को, गुंजन को लौटा दो, उस अखिलेश को जिसके पत्नी और जिसके बच्चे बिहार छोड़ दिए, लौटा दो उस अपराधियों से बिहार के हर आम आदमी को। यहाँ मात्र 5 आदमी सुरक्षित है, अपराधी, माफिया, दलाल, नेता और पदाधिकारी।
शराब बेचने वाला और शराब बेचवाने वाला और पैसा वसूलने वाला। इस बिहार में कोई सुरक्षित नहीं है, न डॉक्टर से सुरक्षित है, न एजुकेशन माफिया से सुरक्षित है, न अपराधी से सुरक्षित है।